जिसका नाम महान है और जो अपने बच्चों को प्यार करता है, और जो सनातन राजा है, उस यीशु मसीह की उपस्थिति में, उसकी पवित्रता में आपका स्वागत है। आए हम अपने दिलों को यीशु मसीह की आत्मा के लिए खोलें, आए हम अपने दिलों को यीशु मसीह की महिमा के लिए खोलें, आए हम अपने दिलों को यीशु मसीह की आराधना करने के लिए खोलें, क्योंकि उसका वचन कहता है जहां एक या दो मेरे नाम से उपस्थित है उसके मध्य में, उसके बीच में मैं हूं। और वो यीशु मसीह है जो मुर्दा नहीं है, जो जीवित है और जो सत्य है और जो कभी बदलता नहीं है। उसने अगर कहा है मैं तुम्हारे बीच में हूं, तो वो हमारे बीच में है। आए उसको घटित महिमा दे, आए अपने हृदयों को खोले, उसकी महिमा के लिए अपने आप को तैयार करें, उसकी महिमा करने के लिए अपने आप को तैयार करें। अपने सारे पापों से, अपने सारे अपराधों से मुंह मोड़ लीजिए, अपने सारे पापों की क्षमा मांगिए। ओ प्रिय पिता यीशु मसीह, पिता यीशु मसीह के लहू से हमें सारे पापों से क्षमा कीजिए, शुद्ध कीजिए, पवित्र कीजिए। पिता हम आपकी उपस्थिति में आते हैं और हमारे सारे पापों के लिए क्षमा चाहते हैं। ऐसे हमारे हर एक पाप जो आपकी महिमा को इस जगह पे उंडेलने से रोकते हैं, उन सारे पापों की क्षमा में दे दीजिए यीशु मसीह के नाम से। पिता यीशु मसीह हम आपका स्वागत करते हैं, यीशु मसीह के आत्मा, पवित्र आत्मा हम इस जगह पर आपका स्वागत करते हैं। यीशु मसीह के आत्मा, पवित्र आत्मा हम इस जगह पर आपको आमंत्रित करते हैं। यीशु मसीह के आत्मा, पवित्र आत्मा हम इस जगह पर आपको आमंत्रित करते हैं। यीशु मसीह के आत्मा, पवित्र आत्मा हम इस जगह पर आपको आमंत्रित करते हैं, क्योंकि इस जगह पर यीशु मसीह का नाम ऊंचा उठाया जाएगा, क्योंकि इस जगह पर यीशु मसीह का नाम ऊंचा उठाया जाएगा, तो यीशु मसीह की महिमा जाहिर होगी, यीशु मसीह की महिमा जाहिर होगी, क्योंकि इस जगह पर यीशु मसीह का नाम ऊंचा उठाया जाएगा, तो यीशु मसीह की महिमा स्वर्ग से उंडेली जाएगी। हालेलुया, हालेलुया। आए थोड़ी सेकंड अन्य अन्य भाषाओं में बात करें, जिसको भी अन्य भाषा का दान है वो अन्य भाषा में बात करेगा। हालेलुया, हालेलुया। अपने मुखों को बंद ना रखे, अपने शरीरों को बांध के ना रखे, उसकी महिमा के लिए अपने शरीरों को लूज करें, अब उसकी महिमा के लिए अपनी जुबान को लूज करें, यीशु मसीह की महिमा के लिए अपने आप को स्वतंत्र करें यीशु मसीह के नाम से। पिता जहां पर आपका आत्मा है वहां स्वतंत्रता है, यीशु मसीह के नाम से, यीशु मसीह के नाम से, यीशु मसीह के नाम से हम इस जगह पर स्वतंत्रता को घोषित करते हैं। हर एक बांधने वाली दुष्ट आत्माएं, हर एक दुष्ट आत्माएं जो यीशु मसीह की महिमा करने से रोकती है, लोगों को बांधती है, उस दुष्ट आत्माओं को हम यीशु मसीह के लहू से बांधते हैं, तोड़ते हैं, इस जगह को छोड़ के चले जाने की आज्ञा देते हैं यीशु मसीह के नाम से। आमीन, आमीन, हालेलुया। आवाजों को उठाए, अपने आवाजों को उठाए, स्तुति करें यीशु मसीह की, यीशु मसीह के लिए स्तुति रूपी सिंहासन को तैयार करें। कोई चुप नहीं रहेगा, कोई चुप नहीं रहेगा, कोई चुप नहीं रहेगा। यह समय चुप रहने का नहीं है, यह समय यीशु मसीह की महिमा करने का है, यह समय यीशु मसीह की महिमा करने का है, यह समय यीशु मसीह की महिमा करने का है। हालेलुया, 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 हालेलुया।
पवित्र आत्मा देव, आपके काम को बाधा रूप होते हमें अटकाइए पिता, इस जगह के और इस चर्च के और इस यहाँ पे जो मौजूदा लोग हैं उनके मालिक आप हो, उनके स्वामी आप हो। यहाँ पर वो होगा जो आप चाहोगे, वो नहीं होगा जो हम चाहेंगे। इस प्लेटफॉर्म को, इस जगह को, इस समय को हम आपको समर्पित करते पवित्र आत्मा, यीशु मसीह के आत्मा। यीशु की महिमा इस जगह पर जाहिर करें, यीशु की महिमा इस जगह पर जाहिर करें। हालेलुया। साथ मिलके ले चल मुझे, ले चल मुझे। थाम कर मेरा ले चल मुझे, फिर से गाएंगे ले चल मुझे, ले चल मुझे यीशु तू है जा, ले चल मुझे, ले चल मुझे, ले चल मुझे हाथ थाम के मेरा, चल मुझे। मैं तेरे दर पे आया हूँ खाली हाथों से, अपने सर को झुकाता हूँ, झोली मेरी भर, सर को झुकाता हूँ, झोली मेरी भर दे, मुझे ढूंढता हुआ, मुझे चाहता हुआ, छोड़ आया आसमां तू यहाँ, भीड़ से मुझको चुना, अपना बना, फिर से गाएंगे, मुझे ढूंढता हुआ, मुझे चाहता हुआ, छोड़ आया आसमां तू यहाँ, फिर से मुझको चुना, अपना बना लिया, नाम तेरा है दिया यीशुआ। पूरे दिल से ले चल मुझे, यीशु तू है जा, ले चल मुझे पूरे आत्मा से, ले चल मुझे हाथ थाम कर मेरा, ले चल मुझे, फिर से गाएंगे ले चल मुझे, ले चल मुझे यीशु तू है जा, ले चल मुझे, ले चल मुझे,
चल मुझे हाथ थाम कर मेरा, ले चल मुझे जैसे जैसे हिरनी पानी के लिए, प्यासा मैं भी हूँ तेरे लिए, जैसे हिरनी पानी के लिए, प्यासा मैं भी हूँ तेरे लिए। फिर से गाएंगे, जैसे जैसे हिरनी पानी के लिए, प्यासा मैं पीऊं तेरे लिए। फिर से गाएंगे, फिर से गाएंगे, जैसे हिरनी पानी के लिए, प्यासा मैं पीऊं तेरे लिए। तुझे ढूंढता हुआ, तुझे ढूंढता हुआ, तुझे चाहता हुआ, मुझे खींच ले मैं दौड़ूंगा। तुझे ढूंढता हुआ, तुझे चाहता हुआ, मुझे खींच ले मैं दौड़ूंगा। ले चल मुझे यीशु, तू है जहां, ले चल मुझे। अपने हाथों को स्वर्ग की ओर उठा के, ले चल मुझे अपनी प्यास को यीशु मसीह को दिखाते हुए, ले चल मुझे, ले चल मुझे, ले चल मुझे, ले चल मुझे, यीशु तू है जहां, ले चल मुझे। उसका आत्मा आपको छू रहा है, ले चल मुझे, ले चल मुझे, उसका आत्मा आपको छू रहा है, कर मेरा, ले चल मुझे। फिर से गाएंगे, ले चल मुझे, ले चल मुझे, ले चल मुझे, यीशु तू है जहां, ले चल मुझे, ले चल मुझे, ले चल मुझे, हाथ थाम कर मेरा, ले चल मुझे। फिर से गाएंगे, ले चल मुझे, ले चल मुझे, यीशु तू है जहां, ले चल मुझे, ले चल मुझे, ले चल मुझे, हाथ थाम कर मेरा, ले चल मुझे, ले चल मुझे, चल मुझे, यीशु तू है जहां। ऊंची आवाजों से गाएंगे, ले चल मुझे, ले चल मुझे, ले चल मुझे, हाथ काम कर मेरा, ले चल मुझे, मैं तेरे दर पे आया हूँ खाली हाथों से, अपने सर को झुकाता हूँ, झोली मेरी भर दे। फिर से, फिर से, मैं तेरे दर पे आया हूँ खाली हाथों से, अपने सर को झुकाता हूँ, झोली मेरी भर दे। मुझे ढूंढता हुआ, मुझे
ले चल मुझे, ले चल मुझे, यीशु तू है जहां। ले चल मुझे, ले चल मुझे, ले चल मुझे, हाथ थाम कर मेरा। चल मुझे जैसे जैसे हिरनी पानी के लिए, क्या परमेश्वर के लिए प्यासे हो? अपनी प्यास को यीशु मसीह को दिखाए। जैसे हिरनी पानी के लिए प्यासा मैं भी तेरे लिए, तुझे ढूंढता हुआ, तुझे चाहता हुआ, मुझे खींच ले, मैं दौड़ूंगा। तुझे ढूंढता हुआ, तुझे चाहता हुआ, तुझे खींच ले, मैं दौड़ूंगा। तुझे ढूंढता हुआ, तुझे ढूंढता हुआ, तुझे चाहता हुआ, मुझे खींच ले, मैं दौड़ूंगा। फिर से, फिर से, फिर से। तुझे ढूंढता हुआ, तुझे चाहता हुआ, मुझे खींच ले, मैं दौड़ूंगा। फिर से तुझे ढूंढ है बया पर यहोवा को ढूंढने वाला, तुझे चाहता हूँ, यीशु मसीह उनको खींच रहा है। फिर से तुझे ढूंढता हुआ, तुझे चाहता हुआ, मुझे खींच ले, मैं दौड़ूंगा। ले चल मुझे, ले चल मुझे, यीशु तू है जहां। पूरे दिल से गाए, ले चल मुझे, ले चल मुझे, ले चल मुझे, हाथ थाम कर मेरा। ले चल मुझे, जैसे हिरनी पानी के लिए, स्वरों से गाएंगे। मुझे ढूंढता हुआ, मुझे
चाहता हुआ मुझे खींच ले, मैं दौड़ूंगा। ले चल मुझे, ले चल मुझे, यीशु तू है जा। ले चल मुझे, ले चल मुझे। आपकी आवाज ऊंची होनी चाहिए, आपकी प्यास ग्रेट होनी चाहिए। ले चल मुझे, यीशु तू है जा। ले चल मुझे, ले चल मुझे, ले चल मुझे, हाथ थाम कर मेरा। ले चल मुझे, अपने हाथों को स्वर्ग की ओर उठाएं, अपने हाथों को यीशु मसीह के हाथ में सौंप दीजिए। वो आपको अपनी उपस्थिति में ले जाएगा। जितना आप उससे मिलने के लिए उत्सुक हो, उससे कई ज्यादा वो आपसे मिलने के लिए उत्सुक है। अपने हाथों को स्वर्ग की ओर उठाए और अपने हाथों को यीशु मसीह के हाथ में दे दीजिए विश्वास से। वो तुम्हें अपनी उपस्थिति में ले जाएगा, वो तुम्हें परात्पर के गुप्त स्थान में ले जाएगा, जहां पर तुम विश्राम पाओगे, जहां पर तुम्हारा आत्मा आराम पाएगा, जहां पर तुम्हारी प्यास को छिपाई जाएगी, जहां पर तुम्हारा आत्मा प्रफुल्लित होगा। उस जीवन जल के शोते को आपको पिलाया जाएगा जो कभी सूखता नहीं है, और आपके आपके अंदर से जीवन जल की नदियां बहने लगेगी यीशु मसीह के नाम से। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। यीशु मसीह, हम आपका धन्यवाद करते हैं, क्योंकि युगान युग आप राजा हो, आप बादशाह हो, आप सर्व सामर्थी हो। मनुष्य का ऊंचे से ऊंचा सामर्थ्य भी आपके नीचे के नीचे सामर्थ्य से मिल नहीं पा सकता। मनुष्य का ऊंचे से ऊंचा ज्ञान भी आपके नीचे से नीचे ज्ञान को छू नहीं सकता। आप ऑल माइटी हो, हम आपका धन्यवाद करते हैं यीशु मसीह। हालेलुया, हालेलुया। आए आज हम एक नया सॉन्ग सीखना चाहते हैं। यहोवा मेरा बादशाह, वो करता भला सबका, वो करता भला अपने लोगों का सदा, उसका अंदाज सबसे जुदा। इज़राइल का राजा राजा जो हिजकिय्याह था, उसके समय में अश्शूर के राजा ने उसके सामने लड़ाई के लिए चुनौती दी। इज़राइल का राजा राज्य बहुत ही छोटा था अश्शूर के राज्य के सामने, और अश्शूर ने पूरी दुनिया में तबाही मचा दी थी। अश्शूर के राजा ने, सन्हेरीब ने पूरी दुनिया में तबाही मचा दी थी। देशों देशों को खंडेर बना दिया था, उनके मंदिरों को तोड़ दिया था, उनकी देवताओं की मूर्तियों को तोड़ दिया था, और अब वो इज़राइल के सामने आया था। और उसने दूसरा राजा, उसका 18वां अध्याय और 28 से 31 आयत में लिखा है, तब रबशाके ने खड़े होकर यहूदी भाषा में ऊंचे शब्दों से कहा, महाराजा धीराज अर्थात अश्शूर के राजा की बात सुनो। राजा यों कहता है, हिजकिय्याह तुमको धोखा देने न पाए, क्योंकि वह तुम्हें मेरे हाथ से बचा न सकेगा, और वह तुमसे यह कहकर यहोवा पर भरोसा कराने न पाए कि यहोवा निश्चय हमको बचाएगा और यह नगर अश्शूर के राजा के वश में न पड़ेगा, हिजकिय्याह की मत सुनो।
उसने हिजकिय्याह को नहीं पर डायरेक्टली परमेश्वर को, जो हिजकिय्याह का और इसराइल का परमेश्वर था, उसे चुनौती दी कि मेरे हाथ से बचा सके ऐसा कोई परमेश्वर नहीं है, ऐसा कोई सैन्य नहीं है। और उसके उत्तर में परमेश्वर ने उसे क्या जवाब दिया, हम पढ़ते दूसरा राजा 19वां अध्याय और उसकी 22वीं आयत में हम पढ़ते हैं, जब अश्शूर के राजा सन्हेरीब ने हिजकिय्याह को धमकी दी, तब वो धमकी उसने हिजकिय्याह को नहीं पर परमेश्वर को दी थी, जिसने आकाश और पृथ्वी को बनाया था। और उसके जवाब में परमेश्वर ने ये कहा, तूने जो नाम धराई और निंदा की है वह किसकी की है, और तूने जो बड़ा बोल बोला और घमंड किया है वह किसके विरुद्ध किया है? इज़राइल के पवित्र के विरुद्ध तूने ये किया है। और परमेश्वर ने हिजकिय्याह को वचन दिया कि कोई तेरी तुम्हारी छावनी के निकट भी ना पाएगा और तुम्हारे छावनी के निकट कोई कुत्ता भी ना भौंकेगा। और वो राजा सन्हेरीब जिसने पूरी दुनिया में तबाही मचा दी थी, जिसने देशों देशों के मंदिर और उनके देवताओं को खंडेर बना दिया था, तोड़ दिया था, उसके विषय में लिखा है दूसरा किंग और उसका 19वां अध्याय और 33वीं आयत में लिखा है, उसी रात में क्या हुआ कि यहोवा के दूत ने निकलकर अश्शूरियों की छावनी में 185,000 पुरुषों को मारा और भोर तक लोग उठे, तब देखा कि शब ही शब पड़े थे। हालेलुया। आपके विरुद्ध खड़े होने वाले वो आपके विरुद्ध खड़े नहीं होते, वो सेनाओं के यहोवा के विरुद्ध खड़े होते। यहोवा वो बादशाह है जो युगों से राज करता था, युगों तक राज करता है और अनंत काल तक राज करेगा। उसके सामने ना तो आकाश ऊपर की ना तो पृथ्वी नीचे की कोई सत्ता आ सकती है। आगे का स्टैंजा कहता है, मेरे पीछे बोलिए, पा जाते बीमार उसके दर पे शिफा, ले लेते दुखी आराम। भजन संहिता 103:3, कोई जोर से पढ़ेगा जल्दी जल्दी जल्दी, भजन संहिता 103:3 शायद 103:3। आपके बाइबलों में से निकाल के कोई पढ़ लीजिए। में लिखा है कि वही तो तेरे अधर्मों को क्षमा करता है और वही तेरे सारे रोगों को चंगा करता है। आगे का स्टैंजा कहता है, सुन के वो दुआ देता है जवाब, करे बंधनों से भी आजाद। वो हमारी दुआओं को सुनता है और हमें सर्व प्रकार के बंधन से आजाद करता है। वो है मेरा चौपान, वो मेरी बातें सुनता है, वो हमारे साथ रहता है। आगे का स्टैंजा कहता है, करता है वो तगड़ा कमजोरों को, मेरे पीछे बोलेंगे, करता है वो तगड़ा कमजोरों को, थके हुओं को देवे आराम। उड़ते हैं वो लोग उकाबो समान जो रखते हैं यहोवा की आस, बख्शता है वो जोर सदा काल का, वो है वायदे का सच्चा खुदा। यशाया का पुस्तक उसका 40वां अध्याय और 30 और 31 आयत में कहा है कि जुवान थक जाएगा और निर्गत हो जाएगा, पर जो लोग यहोवा की आशा रखते हैं, यहोवा पर भरोसा रखते हैं, वो कभी थकित ना होगे और लज्जित ना होगे, वो उकाबों के समान उड़ेंगे। आज शायद तक आप थक गए होगे, आप दुखी होगे और आपको विश्राम चाहिए रहेगा, वो विश्राम यहोवा आपको देगा। आगे का श्रेंजा कहता है, विश्वासियों की वह ढाल और जोर, बोले मेरे पीछे बोले, विश्वासियों की वह ढाल और जोर, ना छोड़े कभी वो अनाथ, खोजे जो उसको दाऊद समान, पा जाएंगे अब दीनाम। भजन संहिता 34:4 में लिखा है, मैंने यहोवा की खोज की और वो मुझे मिल गया। ये कोई सिंपल बात नहीं है, वो परमेश्वर है जिसने आकाश और पृथ्वी को बनाया है। और दाऊद कहता है, मैंने यहोवा की खोज की और वो मुझे मिल गया।
जब हम परमेश्वर की खोज करते हैं, वो हमें ना मिले ऐसा बन ही नहीं सकता। वो हमारा परमेश्वर जिंदा खुदा है, जो लोग सच्चे दिल से उनको खोजते हैं वो उसे मिलता है। लिखा है पा जाते हैं वो लोग अपने इनाम, और चखेंगे वो सदा उसकी रूह का मसा, और वो अपनी रूह की आग से उसको भरता है। हालेलुया। गाना नया है, हम लोग साथ में गाएंगे, और अगर आपको नहीं आता है तो पीछे पीछे गाइए, पर आराधना में जुड़िए, क्योंकि आराधना में परमेश्वर की सामर्थ्य है और परमेश्वर का छुटकारा उसी में ही छुपा है और उसकी महिमा उसी में ही छुपी है। आइए हम गाएं, ताली बजाते हुए। यहोवा मेरा बादशाह, वो करता भला सदा। यहोवा मेरा बादशाह, वो करता भला। फिर से गाएंगे। यहोवा मेरा बादशाह, वो करता भला सदा। वो करता भला अपनों का सदा, वो करता भला अपनों का सदा। उसका सबसे जुदा यहोवा मेरा बादशाह, वो करता भला सदा। साथ मिलके गाएंगे। यहोवा मेरा बादशाह, वो करता भला सदा। वो करता भला अपने लोगों का, वो करता भला अपने लोगों का। उसका अंदाज सबसे जुदा यहोवा मेरा बादशाह, वो करता भला सदा। यहोवा मेरा बादशाह, वो करता भला सदा। ताली बजाते हुए। आ जाते बीमार उसके दर पे शिफा, ले लेते दुखी आराम। पा जाते बीमार उसके दर पे शिफा, ले लेते दुखी आराम। पा जाते बीमार उसके दर पे शिफा, ले लेते दुखी आराम। फिर से गाएंगे। पा जाते बीमार उसके दर पे शिफा, ले लेते दुखी आराम। फिर से गाएंगे। पा जाते बीमार उसके दर पे शिफा, ले लेते दुखी आराम। सुन के वो दुआ देता है जवाब, करे बंधनों से भी आजाद। सुन के वो दुआ देता है जवाब, करे बंधनों से भी आजाद। फिर से गाएंगे। सुन के वो दुआ देता है जवाब, करे बंधनों से आजाद। उसका प्यार है महान, वो है मेरा चौपान। 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 उसका प्यार है महान, वो है मेरा चौपा। रहता है जो साथ सदा यहोवा मेरा बादशाह, वो करता भला सदा। यहोवा मेरा बादशाह, वो करता भला सदा। करता है वो तगड़ा कमजोरों को, थके हुओं को देवे आराम। उड़ते हैं वो लोग उकाबो समान, जो रखते यहोवा की आस। बख्शता है वो जोर सदा काल का, वो है वायदे का सच्चा खुदा। आमीन। आए साथ मिलके गाएं। करता है वो तगड़ा कमजोरों को, थके हुओं को देवे आराम। करता है वो तगड़ा कमजोरों को, थके हुओं को देवे आराम। फिर से गाएंगे। करता है वो तगड़ा कमजोरों को, थके हुओं को देवे आराम। फिर से गाएंगे। करता है वो तगड़ा कमजोरों को, थके हुओं को देवे आराम। उड़ते हैं वो लोग उकाबो समान, जो रखते यहोवा की आस। उड़ते हैं वो लोग उकाबो समान,
आसमान जो रहते यहोवा की। फिर से गाएंगे। उड़ते हैं वो लोग काबू समा जो रहते यहोवा की। बख्शता है वो जोर सदा काल का, बख्शता है वो जोर, बख्शता है वो जोर सदा काल का, 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 वो है वायदे का सच्चा खुदा। अपने लोगों का वो करता भला, अपने लोगों का उसका अंदाज सबसे जुदा। यहोवा मेरा बादशाह वो करता भला सदा, यहोवा मेरा बादशाह वो करता भला सदा। विश्वासियों की वो है ढाल वजो ना छोड़े कभी वो अना, विश्वासियों की वो है ढाल वजो ना छोड़े कभी। फिर से गाएंगे। विश्वासियों की वो है ढाल वजो ना छोड़े कभी वो अना, विश्वासियों की वो है ढाल वजो ना छोड़े कभी वो अना। खोजे जो उसको दाऊद समान पा जाएंगे अब दीना, खोजे जो उसको दाऊद समान पा जाएंगे अब दीना। चखेंगे वो सदा उसकी रूह का मसा, चखेंगे वो सदा उसकी रूह का मसा, चखेंगे वो सदा उसकी रूह का मसा, चखेंगे वो सदा उसकी रूह का मजा, चखेंगे वो सदा उसकी रूह का मजा। रुकी यहोवा मेरा बादशाह वो करता भला सदा, वचन में लिखा है जब यहोवा पृथ्वी पर उतर आया तो बड़े बड़े ह्यूज पहाड़ हिलने लगे, कांपने लगे। यहां पर कई ऐसे पहाड़ है जो हिल ही नहीं रहे। जब परमेश्वर की उपस्थिति उतरती है तब हमें रिस्पॉन्ड करना रहता है, हमें उसको रिस्पॉन्ड करना रहता है अपने नाच द्वारा, अपने ऊंचे स्वरों द्वारा, अपनी तालियों द्वारा। हमें पहाड़ के समान सिकुड़ के मतलब एकदम स्थिर खड़ा नहीं रहना है। जब परमेश्वर की हम आराधना स्तुति करते हैं उसकी महिमा हमारे बीच होती है। आए हम नाचते हुए कूदते हुए ऊंचे स्वरों से ताली बजा के जैसे आपको मन है, पर सीधे मत खड़े रहो। परमेश्वर की उपस्थिति को रास्ता दो ताकि आपके जीवनों में और इस भवन में वो कार्य करे। आए हम फिर से गाएंगे यहोवा मेरा बादशाह। सबसे जुदा यहोवा मेरा बादशाह वो करता भला सदा, यहोवा मेरा बादशाह वो करता भला सदा। पा जाते बीमार उसके दर पे शिफा, ले लेते दुखी आराम, पा जाते बीमार उसके दर पे शिफा, ले लेते दुखी आराम। सुन के वो दुआ
बख्शता है वो जोर सदा कालता, बख्शता है वो जोर सदा कालता, वो है वायदे का सच्चा खुदा। चला उतरा उतरा उतरा
कमजोर दिल को तगड़ा बना दे, कमजोर दिल को तगड़ा बना दे, कमजोर दिल को तगड़ा बना दे, हर बुरे करके रजा, हर बुरे करके रजा, फिर से उतरा उतरा उतरा, ऐ रूह पाक उतरा, उतरा उतरा उतरा, ऐ रूह पाक उतरा, उतरा उतरा उतरा, अपनी राह सिखा, उतरा उतरा उतरा, ऐ रूह पाक उतरा, उतरा उतरा उतरा, ऐ रूह पाक उतरा, उतरा उतरा उतरा, ऐ रूह पाक उतरा, उतरा उतरा उतरा, आसमानी खुशी से भर दे मुझको, आसमानी खुशी से भर दे मुझको, आसमानी खुशी से भर दे मुझको, गीत नया दिल मेला, गीत नया दिल मेला, उतरा उतरा उतरा, ऐ रूह पाक उतरा, उतरा उतरा उतरा, ऐ रूह पाक उतरा, उतरा उतरा।
का धन्यवाद करते हैं वचन में लिखा है वो अपने स्वर्ग दूत को वायु समान और अपने सेवकों को अग्नि की ज्वाला समान बनाता है यीशु मसीह का आत्मा आपको अग्नि की ज्वाला समान बना रहा है जहां कहीं भी आप जाओगे शैतान का कार्य जल के खाक हो जाएगा शैतान के काम को नष्ट करने के लिए ही परमेश्वर का पुत्र यीशु मसीह प्रकट हुआ था और अब जब यीशु मसीह उस सिंहासन पर विराजमान है उसने हमको इस पृथ्वी पर प्रकट किया है ताकि हम शैतान के कार्यों का नाश करें क्योंकि हम उसके बच्चे हैं हालेलुया उस यीशु मसीह का आत्मा आपको अग्नि की ज्वाला समान बनाए उस यीशु मसीह का आत्मा आपको अग्नि की ज्वाला समान बनाए उस यीशु मसीह का आत्मा आपको अग्नि की ज्वाला समान बनाए उस यीशु मसीह का आत्मा आपको अग्नि की ज्वाला समान बनाए उस यीशु मसीह का आत्मा आपको अग्नि की ज्वाला समान बनाए आपका आमीन छोटा है उस यीशु मसीह का आत्मा आपको अग्नि की ज्वाला समान बनाए हालेलुया हालेलुया जहां कहीं तुम जाओगे अंधेरे में ज्योति जल जाएगी और शैतान का काम जलकर खाक हो जाएगा जहां कहीं भी तुम जाओगे अंधेरे में ज्योति हो जाएगी और शैतान का कार्य जलकर राख हो जाएगा वो यीशु मसीह का आत्मा आपको अग्नि की ज्वाला समान बना रहा है उस यीशु मसीह का आत्मा आपको अग्नि की ज्वाला समान बना रहा है वो यीशु मसीह का आत्मा आपको अग्नि की ज्वाला समान बना रहा है थोड़ा समय पवित्र आत्मा को दूंगा पूरा समय ही उनका है पर अभी ये समय संपूर्ण रीति से पवित्र आत्मा के हाथ में है वो अभी कार्य करेंगे क्योंकि उनको उनको इस जगह पर पूरी स्वतंत्रता है
पवित्र आत्मा इस जगह का अधिकार फिर से ले रहा है। यहाँ पर वो नहीं होगा जो हम चाहेंगे या कोई और चाहेगा, यहाँ पर वो ही होगा जो पवित्र आत्मा चाहेगा, यीशु मसीह का आत्मा चाहेगा, यीशु मसीह और यहोवा पिता चाहेगा। ये जगह यीशु मसीह की है और इस जगह पर यीशु मसीह का कार्य होगा। यहोवा पिता, हे सेनाओं के यहोवा मेरे बाप, मैं आपकी उपस्थिति में यीशु मसीह के नाम से आता हूं। हे सेनाओं के यहोवा, यीशु मसीह के नाम से मैं आपकी उपस्थिति में आता हूं मेरे पिता। पिता, हम हमारे हृदय को झुकाते हुए, हमारे सिरों को झुकाते हुए, हमारे हृदय को नम्र करते हुए, ये हमारे मुख से कबूल करते हैं, आपके सामने हम कुछ नहीं है, आपकी उपस्थिति में हम कुछ नहीं है। पिता, हम कुछ नहीं है, यीशु मसीह का आत्मा इस जगह पर कार्य कर रहे हैं। पिता, सारा आदर, सारी महिमा, सारा जलाल उस बादशाहों के बादशाह को, जो परमेश्वर था, जो परमेश्वर है और जो परमेश्वर रहेगा, जिसके राज्य का कोई अंत नहीं है, जो 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 जिस पर करुणा करना चाहे उस पर करता है, वो महान यहोवा और उसके पुत्र यीशु मसीह को और उसके आत्मा जिसको उसने हमारे बीच में बसने के लिए भेज दिया है, सारा आदर, सारी महिमा, सारा जलाल यीशु मसीह के नाम से यहोवा पिता के चरणों में लाते हैं। आमीन।